students, now as we read for the quality of population, how we can make a people resource through education, health and a proper training or skill development. So our next is health. We read about education, that how we can educate a people and how we can train them to develop their skill. So we read out how the government is doing to educate the persons, to educate the people, to educate the poor, so that they can also get education and can improve their skill. Next is health. A healthy person can fully realize his potential and can be an asset for the economy. So जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हेल्दी पर्सन अगर है तो उसका जो जो भी माइंड वर्क होगा वो फोकस होगा डेवलपमेंट को लेकर. अगर कोई पर्सन बीमार है, अगर कोई पर्सन किसी भी चीज़ में बिजी है अदर देन एजुकेशन हेल्थ, तो उसका जो मेन फोकस होगा वो उसके उस प्राइमरी चीज़ पर फोकस होगा, ना कि डेवलपमेंट में. सो एक हेल्दी पर्सन होगा तो वो एक कंट्री के लिए क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा. एंड अनहेल्दी पर्सन shall not be able to realize his potential and can be a liability for the economy. The National Health Policy of India is aimed towards improving access to health services and improving nutrition, especially among the underprivileged classes. So a liability and an asset is there. So in order to make person healthy, here is given that unhealthy person shall not be able to realize his potential. So अगर कोई person unhealthy है तो उसका जो पूरा focus होगा वो उसकी health पे होगा. So इसलिए वो कोई नई चीज़ नहीं सोच पाएगा. जब नई चीज़ नहीं सोच पाएगा तो वो एक asset नहीं, वो क्या बन जाएगा, एक liability बन जाएगा. सो आप देखते हैं liability क्या है, कि person बीमार पड़ा है, बेड पे लेटा है, तो उसका main जो है वो सारा focus, सारा पैसा जो घर का है वो उसके दवा में लग जाएगा, rather than उसकी education पे. सो एजुकेशन के साथ साथ हमारे लिए हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी पीपल को, पर्सन को रिसोर्स बनाने के लिए हेल्थ भी बहुत ज़रूरी, जैसे कि एजुकेशन. गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट ने हेल्थ सिस्टम के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए, बड़ों की हेल्थ के लिए क्या चीज़ें अप्लाई की हैं. द गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम इज़ कम्पोज ऑफ मेनी टायर्स ऑफ हॉस्पिटल्स. द प्राइमरी हेल्थ सेंटर दैट इज़ PHC आर द बॉटम ऑफ दिस टायर एंड प्रोवाइड जनरल मेडिकल केयर टू रूरल पीपल. खासतौर से लगा हुआ किस जगह पर, ये रूरल एरिया में, गाँव इलाके में, ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो उनके लिए हॉस्पिटल्स नज़दीक रहे, कि अगर कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है, तो उनका तुरंत इलाज हो सके, उनको फर्स्ट एड मिल सके एटलीस्ट. This is followed by community health center is bigger tehsils or block level towns. The district hospitals are at district level, जैसे कि सदर अस्पताल हमारे यहाँ है. So district hospitals हर district में हैं और वो government की तरफ से है, कि वहाँ पर जो भी treatment होगा, जो भी medicine मिलेगी, वो सबसे low rate में मिलेगी, जिससे poor का अच्छी तरीके से treatment हो सके. Further, medical colleges are present in major cities where doctors of all specialties are प्रेजेंट. सो अगर आप सदर अस्पताल जाएं तो वहाँ पे देखेंगे आपको हर डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं. सर्जन भी हैं, मेडिकल केयर्स भी हैं, जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी, हर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कि अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है या कोई सीरियस केस आता है तो एटलीस्ट उसको फर्स्ट एड मिल सके. सो वी हैव द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हियर, दैट हाउ द गवर्नमेंट इज़ डूइंग नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2002, दैट हाउ दीज आर डूइंग इन ऑर्डर टू गेट द हेल्थ कंडीशंस बेटर इन एन एरिया. What comes next is the unemployment. Health मिल गया, education मिल गया, जो सबसे बुरी चीज़ अभी के time में चल रही है वो है unemployment. When a person is actively seeking a job but is unable to get employed, he is called an unemployed person. So definition से clear है, अगर कोई person skilled है, उसके पास skill है, education है, health है, लेकिन वो काम ढूंढना चाह रहा है, job ढूंढना चाह रहा है, लेकिन उसको उसके लायक job नहीं मिल रही, तो वो क्या कहलाएगा, unemployed person. People in the working age, that is from 15 to 59 years, can only be termed unemployed if any one of them is without a gainful employment. अगर कोई person काम कर रहा है लेकिन उसको अगर पैसा नहीं मिल रहा है, वो भी क्या कहलाएगा, unemployed. So employment क्या से मतलब ये है, कि अगर वो earning कर पा रहा है कि नहीं, earning हो रही है तो वो employed है, अगर earning नहीं हो पा रही है तो वो unemployed है. So ये age जो group है वो 15 से 59 का है. अगर कोई इस एज में कोई काम उसको नहीं मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, unemployed. Additionally, if a person voluntarily does not want to work, he cannot be termed as unemployed. अगर कोई person जानबूझ के नहीं करना चाह रहा है काम, तो वो unemployed नहीं कहलाएगा. So unemployment की जो definition बनती है वो ये है, कि अगर कोई person काम करना चाह रहा हो और उसको काम ना मिले, तब उसको हम बोलेंगे unemployed. So unemployment, it
आप इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इन अर्बन एरिया शहर के इलाके में, द सेकंड इज़ द रूरल एरिया गांव के इलाके में। शहर के इलाके में जो अनएम्प्लॉयमेंट वो कैसा है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर कोई वर्क नहीं मिलता है तो वो क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल में दो तरीके का है, सीजनल और डिसगाइज्ड। सीजनल एम्प्लॉयमेंट के बारे में ये है कि कोई पर्सन अगर कोई सीजन के हिसाब से वर्क करता है, जैसे कि जो एग्रीकल्चरस हैं, जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स का क्या है कि वो सीजनली वर्क करते हैं। कोई सीज़न किसी फ्रूट्स का है, किसी वेजिटेबल्स का है, तब तक वो काम करेंगे, और जब सीज़न हार्वेस्ट का आता है तब तक वो क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड, क्योंकि हार्वेस्टिंग टाइम में किसी भी तरह का कोई पर्सन बिजी नहीं रहता है, तब वो क्या कहलाएंगे, अनएम्प्लॉयड। और हो सकता हो सोइंग सीजन में जब क्रॉप्स लग जाती हैं, जब जब फार्मर्स क्रॉप्स ज़मीन में डाल देंगे, सीड्स डाल देंगे, और फिर उसके ग्रो होने में टाइम लगेगा, तब तक के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसे बोलते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और डिसगाइज मतलब जब काम कम हो, लोग ज़्यादा हों, उस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो इसके बारे में पढ़ेंगे कि वर्कप्लेस जो है, यहाँ पे देखिए कैसे एम्प्लॉयर बैठे हैं जॉब देने वालों, कितने लोगों की भीड़ लगी हुई है ताकि वो उनको जॉब मिल सके। ये हमारे यहाँ का, हमारे इंडिया का ये डेटा है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखेंगे जो कोरोना वायरस आया है, उस पैंडेमिक हुआ है, उसकी वजह से कितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, कितने लोगों की जॉब चली गई है, वो लोग काम करना चाह रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है, ऐसे को बोलते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो अर्बन एरिया में है, इट इज़ वेरी हाई इन अर्बन एरियाज। इवन हाईली एजुकेटेड यूथ लाइक ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स आर अनएबल टू फाइंड अ जॉब। मेनी एनालिसिस से दैट इट इज़ अ बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई गैप। डिमांड सप्लाई गैप मीन्स काम कम है और लोग ज़्यादा हैं, सो एक सीट पर कितने लोग की अवेलेबिलिटी होगी, इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। वाइल मेनी टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल आर अनएम्प्लॉयड, दे आर many jobs remaining vacant because of a lack of proper training of the individuals। कुछ जहाँ पर क्या है, ट्रेनिंग नहीं मिल जाने की वजह से कुछ लोग उस जॉब तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसे भी क्या कहेंगे हम, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। फैकल्टी फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, मास आउटपुट, प्रिफरेंस फॉर वाइट कॉलर जॉब्स, लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स एंड ड्विंडलिंग फॉर्मल सैलरीड जॉब्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ इन इंडिया। जो पर्सन बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो वो कैसा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत है, लोगों को एजुकेशन बहुत मिल रही है, डिग्रीज बहुत मिल रही है, लेकिन उनको जॉब उस अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। लोग ग्रेजुएट्स किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स किए हुए हैं, कुछ लोग बीटेक किए हैं, कुछ लोग बीएड किए हुए हैं, कितनी डिग्रीज लोगों के पास है लेकिन उनको उस अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती है, इसलिए वो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कितने लोग हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन बहुत है लेकिन जॉब नहीं है, सो ये कैसे क्रिएट कर रहा है, ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर प्रिविलेंट इन रूरल एरियाज। गाँव के इलाके में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सीजनल है। पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस दिस। द फार्मिंग साइकिल इज सीजन बेस्ड। देर आर सर्टेन मंथ्स विच आर क्वाइट बिजी फॉर अ फार्म वर्कर्स। देर आर मेनी अदर मंथ्स वेन अ फार्मर इज वर्क विदाउट अ वर्क। सो वर्कर जो हैं वो वर्क कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। सो एग्रीकल्चर एक ऐसा सीजनल एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है तब तक के लिए, जब तक क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं तब तक फार्मर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि उनको कोई वर्क नहीं मिलता उस टाइम। सेकेंड इज द हिडन एंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो मोर प्रिविलेंट इन रूरल एरियाज। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ अ फैमिली विद 8 वर्किंग मेंबर्स। ऑल ऑफ देम आर वर्किंग ऑन देयर फार्म। द बाई 5 पर्सन ओनली। The size of the farm makes it possible to be effectively managed by 5 persons only. The extra 3 persons are not contributing towards any growth in productivity. They are working because they have no other gainful employment. So, जहाँ पर काम कम हो, लोग ज़्यादा हो, उस तरह के unemployment को बोलते हैं हम hidden या disguised unemployment. Their potential could have given better results if utilized elsewhere. Similar situation can also be seen in some family-owned shops where all the family members may be working in the same shop but not adding substantially to the output. So, इस तरह का unemployment जो होगा वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा। इफेक्ट क्या होगा अनएम्प्लॉयमेंट का, कोई वर्क नहीं कर पा रहा, किसी को जॉब नहीं मिल पा रही, उसका इफेक्ट क्या है, बहुत से नेगेटिव इंपैक्ट हैं। दैट इज़ वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। जैसे कि उनको पता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक रिसोर्स है, और अगर रिसोर्स को हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो रिसोर्स का क्या हो रहा है, वेस्टेज। जैसे कि अगर एज वी नो दैट पानी के पीने का पानी जो है वो पूरे वर्ल्ड में 100% में से 3% जो है वो पीने का है, जिसमें 2% जो है वो ग्लेशियर फॉर्म में और 1% जो वो प्योर वाटर पीने का। अगर उस पानी को भी हम अगर वेस्ट करेंगे तो एक रिसोर्स को हम वेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से पानी को वेस्ट करना एक रिसोर्स का वेस्टेज, उसी तरह ह्यूमन बीइंग को भी वेस्ट करना एक तरह का मैन पावर रिसोर्स का वेस्टेज है। इंक्रीजेज इकोनॉमिक ओवरलोडेड।
Unemployment can be emotionally draining on the unemployed person. It can be financial and emotional drain on his family members. A large number of unemployed people is ultimately a liability for the society. High rate of unemployment can also increase the crime rate. क्राइम रेट के इन अ सेंस कि जो लोग जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है वो क्या करेंगे, वो किसी भी तरह से अर्न करने के लिए, लिवलीहुड अपने फैमिली को चलाने के लिए वो किसी भी काम को करने को तैयार हैं, चाहे वो किसी भी तरह का क्रिमिनल एक्ट हो। सो इसी तरह से क्या हो रहा है कि हमारे पास जो क्राइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डेली के डेली क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और क्राइम के साथ साथ आप देखेंगे सुसाइड्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सुसाइड की कई वजह हैं, जिसमें से एक ये भी है कि जब कोई पर्सन अपनी फैमिली को नहीं चला पाएगा, उसकी अर्निंग नहीं हो पा रही है, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली वो सुसाइड करता है। अदर ऑब्वियसली ये गलत तरीका है, लेकिन किस और लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा, यही है इफेक्ट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का। साथ ही साथ आप देखेंगे कितने पॉलिटिशियंस जिनके साथ बहुत से लोग चलते हैं आसपास, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी अनएम्प्लॉयड हैं, उनको भी उनको क्या काम करना पड़ेगा। सो वो लोगों के साथ, वो पॉलिटिशियन के साथ पीछे पीछे उनके भागते हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो ये भी एक तरह का क्या है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर। सो एम्प्लॉयमेंट सीनरियो क्या है, इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी है, दैट एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जैसे हमें पता है कि एग्रीकल्चर जो है ये हमारी जो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी उसकी बैकबोन है, अगर हम इसमें ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और जो लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी खत्म हो जाएगा। इन रिसेंट ईयर देर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर पार्शियली बिकॉज ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एज डिस्कस्ड अर्लियर। Some of the surplus labor in agriculture has moved to either the secondary or tertiary sectors. जो ज़्यादातर लेबर्स थे एग्रीकल्चर के, वो भी मूव करके कहाँ चले गए हैं, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग इन द सेकेंडरी सेक्टर। इन केस ऑफ टर्शरी सेक्टर्स वेरियस न्यू सर्विसेज लाइक बायोटेक्नोलॉजी, IT आर नाउ अपीयरिंग। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स जो हैं इसमें धीरे धीरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है, और प्राइमरी सेक्टर्स जो एग्रीकल्चर उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है, इसलिए जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, जो बैकबोन है, उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, और सेकेंडरी टर्शरी में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और वो अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह का होगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं और काम कम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। कुछ लोग क्या है, खुद का बिजनेस चलाते हैं, किसी की चाय की दुकान है, किसी की एक रोल की शॉप है, इस तरफ क्या है, ये सब प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। ये हमें जैसे कि गवर्नमेंट कहती है आत्मनिर्भर होना, सेल्फ डिपेंड होना, तो ये प्राइमरी सेक्टर की तरह से है जब लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स। All of you just revise or match the topics which are discussed in the video to your NCERT books. Any problem if you have, we will discuss in the next class hour. Thank you so much.